यूक्रेन के अस्तित्व को मिटाने के लिए बारूदी चक्रव्यूह भी तैयार कर रहे हैं। वहीं वॉर जोन में ज़ेलेंस्की ने अपनी युद्ध नीति को बदलते हुए बड़ा उलट फिर भी कर दिया। विध्वंसक प्रहार से रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस को बैकफुट पर लाने के लिए ज़ेलेंस्की ने 1.5 लाख से ज्यादा खूंखार कमांडोज को अब वॉर जोन में उतार दिया है। क्या ज़ेलेंस्की का नया दाव जंग का अंजाम बदल देगा या फिर पुतिन अपने विनाशकों से यूक्रेन को मृत्युलोक बना देंगे? इस खास रिपोर्ट से समझिए। पुतिन के जंगी तेवर ने जो हश्र यूक्रेन का किया है उसे देख ये आशंका बढ़ गई है कि जल्द ही यूक्रेन का कोना कोना बारूदी प्रहार से थर्राएगा। कीव समेत यूक्रेन के तमाम रीजन बड़े शहर तबाह हो जाएंगे। कयास तो ये तक लगाए जा रहे हैं कि दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। दरअसल ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है, इसके पीछे की वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का प्रतिशोध। अपने सबसे बड़े दुश्मन को तबाह करने की सनक जो बीते 48 घंटों से यूक्रेन के हर शहर हर प्रांत में दिखाई दे रही है। मसलन कीव, कामिकाजी ड्रोन और मिसाइलों से अटैक, खेरसोन आर्टिलरी टैंक और एमएलआरएस से हमला, ज़ेपोरिजिया फाइटर जेट के जरिए मिसाइल अटैक, सुमी आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से प्रहार। बीते 48 घंटों से यूक्रेन पर रूसी ब्रिगेड का विध्वंसक प्रहार जारी है और जानते हैं इसी बीच रूस की तरफ से एक सनसनीखेज बयान सामने आया है जिसे रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने दिया है। वो ये कि यूक्रेन सोवियत संघ का ऐतिहासिक हिस्सा रहा है, ऐसे में हम इसे अलग नहीं होने देंगे। सही वक्त आने पर यूक्रेन का रूस में विलय होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यूक्रेन का वजूद मिटना करीब करीब तय है। दरअसल दिमित्री मेदवेदेव का यह बयान सीधे तौर पर यूक्रेन को चेतावनी है। इसका मतलब साफ है, या तो यूक्रेन रूस में शामिल होगा या फिर उसका वजूद नक्शे से साफ हो जाएगा। ऐसे में जिस तरह रूसी ब्रिगेड यूक्रेन को दहला रही है, उसके अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम मचा रही है, उससे ये साफ हो चला है कि जल्द ही मेदवेदेव की वार्निंग हकीकत बन सकती है। मतलब ये कि अब यूक्रेन के वजूद की जंग है। अगर इसमें ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड कमजोर पड़ी तो फिर पुतिन पासा पलटने में वक्त नहीं लगाएंगे। लेकिन ये सब इतना जल्दी होना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि भले ही पुतिन के इंतकाम की आग में यूक्रेन सुलग रहा हो, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना का पलटवार भी जारी है, विध्वंसक प्रहार भी जारी है। खेरसोन को तबाह करने के लिए रूसी फौज ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। टैंक आर्टिलरी तोपों से भीषण प्रहार किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में रूसी सैनिक खेरसोन की घेराबंदी कर चुके थे, मगर यूक्रेनी डिफेंस ने अमेरिका से इंपोर्ट किए गए आईएमआरएस रॉकेट लॉन्चर से ऐसा अटैक किया जिसके चलते खेरसोन में रूसी सैनिकों की लाशें बिछ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने यूक्रेन ने खेरसोन के ज़ारिलच आइलैंड पर अटैक किया
ज़ारिलच आइलैंड पर यूएस मेड हाई मार्स से हमला किया। इस हमले में रशियन आर्मी के 200 से ज्यादा जवानों की मौत हुई। दरअसल रूस के ताबड़तोड़ हमले को देखते हुए यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली और रूस से आर पार की जंग के बजाय आसमानी प्रहार या फिर लॉन्ग रेंज वेपन से अटैक की प्लानिंग बनाई। इसी के तहत यूक्रेनी डिफेंस ने खेरसोन में हाईमार्स रॉकेट लॉन्चर से धावा बोला, जिसका नतीजा ये हुआ कि दर्जनों रूसी सैनिक मारे गए। दरअसल काउंटर ऑफेंस के फेल होने के बाद यूक्रेन ये बखूबी जान चुका है कि रूस जैसे महाबली से भिड़ना आसान नहीं है। ऐसे में या तो रूस के खिलाफ युद्ध गोरिल्ला वॉर तकनीक से लड़ा जाए या फिर रूस की सेना पर उसके सैन्य ठिकानों पर लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। बस इसी नई युद्ध नीति के साथ यूक्रेन वॉर जोन में उतरा और इसका असल खेरसोन के बैटल फील्ड में भी दिखाई दिया। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपनी नई वॉर स्ट्रेटजी के लिए यूक्रेन ने 1.5 लाख सैनिकों को वॉर जोन में उतारा है। नई बटालियन के लिए लेडी कमांडर तैनात की गई है। इसके अलावा नेटो से लॉन्ग रेंज वेपन की मांग की गई है। अब तक यूक्रेन पश्चिमी देशों के अटैक प्लान और वॉर स्ट्रेटजी से युद्ध लड़ रहा था, जिसके चलते यूक्रेनी फौज को जबरदस्त नुकसान हुआ। लेकिन अब यूक्रेन सेंट्रल एशियाई देशों की पुरानी वॉर टेक्निक पर काम करके जंग की तैयारी कर रहा है और इसी के तहत रूसी ब्रिगेड पर हमले भी कर रहा है, ताकि पुतिन की खूंखार ब्रिगेड से लड़ सके, उसका सामना कर सके और अपना वजूद बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।